हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट सुनीता झा। आप सभी को नमस्ते। आज मैं एक आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके मन को छू जाएगी। प्रस्तुत की जा रही कहानी किसी अनजान व्यक्ति ने लिखी है, पर आप तक इस कहानी को और इस कहानी में छिपे संदेश को आप तक पहुँचाने का माध्यम मैं हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक पुत्र अपने पिता और अपने बीवी बच्चों के साथ रात को खाना खाने के लिए शहर के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि पुत्र ने पहले से ही टेबल बुक करा कर रखी थी तो उन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। खाना मेज पे लग गया, सभी खाने में व्यस्त थे। तभी पुत्र ने देखा कि खाने के दौरान वृद्ध पिता के हाथ कांपने के कारण उनका खाना थोड़ा इधर उधर उनके कपड़ों पर गिर जा रहा था। रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ लोग वृद्ध को बड़ी घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन उनका पुत्र बिल्कुल शांत था। खाना खत्म होते ही उनका पुत्र उठा और बिना किसी शर्म के अपने पिता का नैपकिन से हाथ और मुंह साफ किया, और फिर उन्हें वॉशरूम ले जाकर उनके कपड़े साफ किए, मुंह धुलवाया, चश्मा साफ कर फिर से पहनाया। फिर अपने पिता का हाथ थामे बाहर आया। सभी लोग खामोशी से उसे ही देख रहे थे। उसने काउंटर पर जाकर बिल का भुगतान किया और पिता के साथ बाहर जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक अन्य वृद्ध ने उसे आवाज़ दी और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ अपने पीछे तुम कुछ छोड़ कर जा रहे हो? उसने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। वृद्ध ने कहा, बेटे, तुम यहाँ प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा, एक सबक, प्रत्येक पिता के लिए एक उम्मीद छोड़ कर जा रहे हो। आमतौर पर हम लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करते हैं और कहते हैं कि क्या करोगे, आपसे तो चला नहीं जाता, ठीक से खाया नहीं जाता, आप तो घर पर ही रहें, वही अच्छा होगा। लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि जब हम छोटे थे तो यही माता पिता अपनी गोद में उठाकर हमें वो हर जगह ले जाते थे जहाँ हम जाना चाहते थे। जब ठीक से खा भी नहीं पा सकते थे तब माँ अपने हाथ से खिलाती थी और सौ नखरे भी उठाती थी। तो सोचने वाली बात है, माँ बाप तो वही होते हैं ना, फिर बूढ़े होने पर बोझ क्यों लगने लगते हैं? चिंतन का विषय है, सोचिए। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा कीजिए और प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक आज के समाज में से ये विनती कर रहे हैं कि अपने माता पिता का सर्वदा सम्मान करें। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपको ये कहानी कैसी लगी? और भी कहानियाँ अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो अपने सुझाव और फरमाइश और किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं मुझे मेल करें। मेरा ईमेल आईडी है झा सुनीता 111@gmail.com। थैंक यू।